नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बेहद मशहूर पंक्तियां हैं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। जी हां, इन दिनों राजस्थान सरकार के एक मंत्री कुछ इन्हीं पंक्तियों से गुजर रहे हैं, उनके हालात इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि जिन्हें दरकार थी कि अब इनाम मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो नई मुश्किलें मोल ले ली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया की। प्रमोद जैन भाया इन दिनों ऐसे चौतरफा घिर गए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया के ऊपर इन दिनों तरह तरह के किस्म किस्म के आरोप लग रहे हैं, और हालाते आलम यह है कि पायलट कैंप के एक कट्टर समर्थक ने तो मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि सांगोद से आने वाले विधायक ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर सीधे तौर पर प्रमोद जैन भाया को भ्रष्टाचारी मंत्री बता दिया। उसके बाद पायलट के कट्टर समर्थक हैं नरेश मीणा, उन्होंने जो कुछ किया वो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बताने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया का पुतला फूंका गया, और इसी के साथ साथ नरेश मीणा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नरेश मीणा है कौन। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे हैं, और पहले ये किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक थे, लेकिन इन दिनों पायलट कैंप के नेता माने जाते हैं और सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। दरअसल कुछ यूं हुआ कि कल बारा के कवाई थाने में नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया पर तरह तरह के खुले आरोप लगाते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ट्रैक्टर ट्रक वालों से जो मंत्री के लोग हैं वो खुले तौर पर वसूली करते हैं। जाहिर तौर पर जब नरेश मीणा ने मंत्री प्रमोद जैन भाया पर इस तरीके से आरोप लगाए तो वहां का माहौल गर्म हो गया। हालाते आलम कुछ यूं हुआ कि नरेश मीणा के ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा और उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद जो पायलट कैंप के जो अन्य समर्थक थे वो विफर पड़े और सोशल मीडिया पर यह मांग करने लगे कि जल्द से जल्द नरेश मीणा की रिहाई करवाई जाए। कुल मिलाकर अब प्रमोद जैन भाया जो हैं वो अजब गजब की मुश्किलों में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया के ऊपर इससे पहले भी जब गहलोत सरकार थी और भाया मंत्री थे तब भी उनके ऊपर इस तरीके से कुछ आरोप लगे थे और उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, या यूं समझ लीजिए कि मंत्री पद से हटा दिया गया था। ठीक वैसे ही माहौल अब एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में बन रहा है। प्रमोद जैन भाया के ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। अब आपको एक बात यह भी बता दें कि अभी हाल ही में सचिन पायलट और प्रमोद जैन भाया के बीच मुलाकात हुई थी, तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि आखिर किस बाबत मुलाकात हुई। तो अब यह बात भी सबके सामने खुलकर साफ आ गई है कि नरेश मीणा ने जिस प्रकार से प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है उससे भाया की टेंशन बढ़ गई, और भाया सीधे सचिन पायलट के पास पहुंच गए ये कहने के लिए कि भाई अपने जो समर्थक हैं, जो समर्थक नेता हैं नरेश मीणा, उनको रोकिए, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर, प्रमोद जैन भाया ने सचिन पायलट के साथ क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। सचिन पायलट कैंप से के कोटे से वो मंत्री बने, सचिन पायलट के शागिर्द मंत्री माने जाते थे, लेकिन जब बाड़ेबंदी हुई, जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर गए, तब प्रमोद जैन भाया सूबे की गहलोत सरकार के साथ डटे रहे। लिहाजा जो पायलट और प्रमोद जैन भाया के बीच के जो संबंध थे उनमें विच्छेद हो गया। पता चल गया सचिन पायलट को भी कि प्रमोद जैन भाया तो उनके आदमी है ही नहीं, लिहाजा अब पायलट और प्रमोद जैन भाया के बीच में पैचअप हो ये तो संभव ही नहीं है। भाया तो सिर्फ अपना दुखड़ा रोने के लिए सचिन पायलट के पास गए थे, लेकिन यहां पर अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाया फिर से वैसी स्थिति बनेगी जैसे पहले हुआ था जब मुख्यमंत्री गहलोत की जब पहले सरकार थी जो भाया के साथ हुआ था, क्योंकि हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सचिन पायलट की भावभंगी वह समझ में आ रही है,
उससे साफ है कि सचिन पायलट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यानी भाया के साथ क्या होता है इससे सचिन पायलट का कोई विशेष लेना देना नहीं है। और नरेश मीणा ने जिस प्रकार से मोर्चा खोल के रखा है अभी तक, उससे ये साफ होता है कि सचिन पायलट इस मामलात पर हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। बहरहाल सचिन पायलट से मुलाकात के बाद प्रमोद जैन भाया ने मुख्यमंत्री गहलोत से भी मुलाकात की थी। अब मुख्यमंत्री गहलोत और भाया के बीच में क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सफाई जरूर पेश की है। लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों वैसे भी सचिन पायलट कैंप के जो समर्थक हैं, नेता हैं, उनके निशाने पर गहलोत सरकार के मंत्री हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन प्रमोद जैन भाया के ऊपर इस तरीके से इल्जामात लगा देना, खुले तौर पर पत्राचार की जो सियासत है वो शुरू कर देना, नरेश मीणा जैसे नेताओं का थाने के बाहर इस प्रकार से अब मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल देना, जाहिर तौर पर ये चिंताजनक है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी इन सब मामलातों को वॉच कर रही है, बीजेपी भी देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि आला कमान ये सब चीजें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान की मीडिया में खबरें चल रही हैं, जाहिर तौर पर बाकी सब हैं, लेकिन बात यह है कि इलाज नहीं है इसका, इसका क्या निराकरण निकाला जाए ये नहीं है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आला कमान भी अभी वो फॉर्मूला नहीं तैयार कर पाया है कि पायलट गहलोत के बीच में आखिर कैसे सुलह करवाई जाए। और जिस प्रकार से मौजूदा हालात बने हुए हैं ये तो किसी से छिपे हुए ही नहीं है। बहरहाल जो इन दिनों नजर है वो हाड़ौती की सियासत पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया का क्या सियासी हश्र होने वाला है, यही सियासी गलियारे का इन दिनों सबसे गर्मा गर्म विषय है कि आखिर क्या प्रमोद जैन भाया की कुर्सी जाएगी या सलामत रहेगी, क्या सचिन पायलट का हाथ एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या हालात ऐसे ही विकट बने रहेंगे। खैर इस मामले से जुड़ा हुआ जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपके समक्ष लेकर फौरन हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।